हाय गाइस गाइस वेलकम बैक टू चैनल कैसे हो आप सब सबसे सब पहले तो इग्नोर कर देना मेरी आवाज को बार बार पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है मैंने ठंडा पानी पी लिया था बिना मिक्स किए हुए फ्रिज में से तो बस वही चीज ना मुझे लग गई और बार बार खांसी आ रही है पिछले पन्द्रह बीस मिनट से इंट्रो करने का ट्राई करो इंट्रो ही नहीं हो पा रहा एनी अब मुझे लगा कि फाइनली मुझे वीडियो तो शूट करनी करनी है तो मैं ऐसे ही शूट कर लेती हूँ आ, आप लोग इग्नोर कर देना अच्छा गाइज आज की वीडियो में आप क्या देखने वाले हो मैं आ, करने वाली थी अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव सोचा साथ साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ फेशियल हेयर्स गाइज आपकी अपनी चॉइस है आपने रिमूव करने हैं नहीं रिमूव करने ठीक है मैं क्यों रिमूव करती हूँ उसका मैं आपको वैलिड रीजन दे देती हूँ फेशियल रिमूव करने से आपका एक तो बेस आपकी स्किन बड़ी फ्लॉलेस सी दिखती है और हाँ जी जब आप फेशियल हेयर्स को रिमूव करते हो तो बाल आते हैं फक्का आते हैं ऐसे नहीं थे कि बाल ही नहीं आते बाल तो आएंगे ना आपको हफ्ते में एक बार उनको रिमूव करना होता है ठीक है वीकली आपको रिमूव करना होता है <coughs> जब भी आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हो ना चाहे टोनर हो गया सीरम हो गया या फिर क्रीम वगैरह हो गया या शीट मास्क हो गया वट सो एवर जो भी आप यूज करते हो ना अगर आपके फेस के ऊपर बाल होंगे यहाँ पे पहली बात तो फेशियल हेयर कहाँ पे होती है देख लो साइड बर्न्स अपर लिप्स चिन एरिया थ्रेडिंग um, जहाँ पे ये नीचे वाली एरिया यहाँ पे फोरहेड में इधर इधर ठीक है फेशियल हेयर जब आपके फेस के ऊपर होते हैं तो कईयों के ज्यादा होते हैं कईयों के कम होते हैं जो भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाते हो वो आपका अंदर नहीं जाता अच्छी तरह से वो बालों में उलझ के ही खत्म हो जाता है प्लस आपका प्रोडक्ट भी ज्यादा लगता है अगर आपकी स्किन एकदम क्लीन है आप थोड़ा सा भी टोनर लगाओगे <coughs> सीरम लगाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरह तो से एक तो अंदर तक जाएगा पेनिट्रेट करेगा आपको बेनिफिट मिलेगा पहला रीजन स्किन केयर के रिलेटेड है दूसरा रीजन है मेकअप के रिलेटेड जब भी आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को देखते हो या फिर <coughs> किसी भी यूट्यूबर को देखते हो जिनका मेकअप आपको बेस मेकअप बहुत फ्लॉलेस दिखता है तो गाइज वो इसलिए क्योंकि वो अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करते हैं उससे क्या होता है आपका बेस एकदम स्मूथ हो जाता है जो भी आप फाउंडेशन लगाते हैं वो बहुत अच्छी तरह स्मूथ दिखता है आपके फेस के ऊपर ठीक है एंड प्राइमर या फिर कुछ भी अगर आप अप्लाई करो बीबी क्रीम सीसी क्रीम या कुछ भी आप पाउडर फाउंडेशन लगाओ बहुत स्मूद बेस नजर आएगा आपका ठीक है मुझे ये चीजें पहले नहीं पता होती थी तो मैं पहले जब फेशियल हेयर को नहीं रिमूव करती थी तो मेरा बेस मेकअप ना स्मूद नहीं दिखता था अब अगर आप नोटिस करोगे तो सॉरी स्मूथ दिखता है क्योंकि जब भी मैं अपना मेकअप करती हूँ उससे पहले मुझे फेशियल हेयर को रिमूव करना ही करना है ठीक है एक ये रीजन होता है तो आई थिंक आई एव डन अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूंगा कुछ रेजर्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कुछ रेजर है जो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगी मतलब दे आर लाइक वेस्ट ऑफ मनी ये मेरे पास तीन रेजर्स हैं ऑनलाइन मंगवाए थे कौन सी वेबसाइट से मंगवाए थे नहीं बता सकती एंड कौन से ब्रांड के थे ब्रांड भी अच्छा था मैंने नाम वगैरह देख के इनको मंगवा लिया रिटर्न पॉलिसी नहीं थी वहां पे तो दे आर वर्स्ट दे आर वर्स्ट आपको क्लोजअप शॉर्ट दूंगी कि आपको ये रेजर नहीं यूज करना ये तो सीधा साधी ब्लेड है यहाँ पे आपको नहीं नजर आएगा आपको मैं बता दूंगी ये तो बिल्कुल ब्लेड है अगर आप न्यू हो ना इसमें डोंट यूज दीज काइंड ऑफ रेजर ये रेजर तो, पता नहीं हो सकते लड़कियां यूज करते होंगे बट मैंने आज तक नहीं यूज किया यार मेरे पास तीन अभी तक के मैंने तीन तीन ब्रांड के रेजर ट्राई किए हैं सबसे पहले तो अभी मेरे पास है नहीं पता नहीं यार मिल नहीं रहा व्हाइट कलर का रेजर है मीनीसो का मैंने ना तीनों ब्रांड के जो रेजर है ना तीनों की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर उनका मैं लिंक आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ वगैरह के हो गए मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस हैं <coughs> मिनीसो स्टोर से मैं मीनीसो का रेजर लेके आई थी बेस्ट था नहीं ट्राई किया ट्राई कर लो नहीं जाना चाहते मिनी से स्टोर कोविड का टाइम चल रहा है मत जाओ ऑनलाइन जाके आप खरीद लो ऑनलाइन के लिए मैं आपको दो ब्रांड से जरूर रिकमेंड करूंगी ये है बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेजर ये देख लो ये कुछ इस हिसाब से मैं आपको क्लोज इंसर्ट करूंगी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें और इसमें क्या फर्क है ठीक है ये तो ऐसे लग रहा था जैसे काट देगा फेस ब्लड निकाल देगा ये तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ब्लड ही निकल जाएगा मेरे फेस में से तो मैंने हल्का सा किया था जब ये नया आया था मुझे इतना डर लगा बर्बाद पैसे कोई बात नहीं बर्बाद होने दो लेकिन ये मैं ट्राई नहीं करने वाली अच्छा ये बोले आप ट्राई करो ये है बॉम्बे शेविंग कंपनी का या तो मिनीसो का या बॉम्बे शेविंग कंपनी का या फिर यू कैन ट्राई सेन्फे का रेजर सैनफी बोलते आई थिंक इनका शो <coughs> यू इसमें दो तीन है आपको पैकेजिंग में तीन रेजर्स मिलते हैं ये देखो ये है सैनफी के रेजर प्रिटी फेस रेजर लिंक आपको सबके मिल जाएंगे जिनके भी मुझे मिलेंगे तो मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सैनफी के रेजर है ये भी काफी अच्छे रेजर है और यूज करते समय आपको डर नहीं लगेगा ये देख रहे हो वो जो ऐसा रेजर बहुत ऐसे लग रहे है जैसे ब्लेड लगा दिया इन्होंने मैं तो ऐसे करूं मुझे ऐसे लग रहा है सब के ब्लड आ जाएगा बाहर तो ये नहीं मैं आपको रिकमेंड करूंगी ठीक है आई थिंक आई एम डन एक और रेजर ना लॉन्च हुआ है पर्पल के ऊपर वो है कारमेसी के फेशियल रेजर मैंने पता नहीं यूट्यूब पर ही कहीं पर वीडियो देखी तो आई ट्राई की मैं कारमेसी के रेजर्स को मंगवा सकू <coughs> क्योंकि मेरे पास ना कारमेसी के सैनिटरी पैड्स हैं गॉड अमेजिंग अमेजिंग मैंने है तीन चार बार विडियो भी डाली दो तीन बार तो पक्का होगी मेरे चैनल के ऊपर नहीं ट्राई की था कारमेसी के पैड्स वगैरह को ट्राई करो तो <coughs> कारमेसी के नए फेशियल रेजर आए मैं उनको भी जरूर ट्राई करूंगी चलो ये हो गया मेरा इंट्रो अब मैं आपको थोड़ा सा ना क्लोजअप <coughs> में दिखाती हूँ सॉरी यार क्लोजअप में दिखाती हूँ कि कौन से रेजर आपको यूज करने चाहिए एंड कौन से आपको नहीं यूज करने चाहिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड और थोड़ा सा अपने फेस को क्लीन भी करते हैं बहुत गंदा हो गया गाइस पर्पल डॉट कॉम पे सेल स्टार्ट होने वाली है मॉनसून मेनिया सेल है एट्थ जुलाई टू फोर्टीन जुलाई अप टू फिफ्टी परसेंट ऑफ प्लस एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ मिलेगा आपको यूजिंग माय कूपन कोड गेट हंड्रेड फ्लैट फिफ्टीन परसेंट ऑफ आपको मिलेगा अप टू ऑन अ मिनिमम ऑर्डर सेवन हंड्रेड आज से ही पी आर एन वाई आप को कर लेना बाकी सब डिटेल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी अलग अलग डेज पे अलग अलग ऑफर्स हैं अलग अलग ब्रांड्स के ऊपर तो आप एक चीज ध्यान से जरूर देख अच्छा गाइस सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि आपको कौन से रेजर यूज करने चाहिए फेशियल रेजर एक तो मीनीसो एक मैंने यूज किया है बॉम्बे शेविंग कंपनी और ये वाला जो है ये का है ठीक है पहले तो आप इनके ब्लेड्स देखो आपको लाइंस लाइंस नजर आ रही हैं ब्लेड्स में छोटी 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 लाइंस लाइंस आपको नजर आ रही है आपने ये वाले रेजर्स को यूज करना है ठीक है आप देख सकते हो आई होप यू कैन सी ये जो रेजर्स होते हैं ना ये बहुत ज्यादा ना वैसे नहीं होते कि आपको कट लगने का डर हो देखो मैं कितनी जोर से प्रेस कर रही हूँ अपने फिंगर के ऊपर भी तो मुझे डर नहीं लग रहा इसको यूज करते समय आपको मैं दूसरा वाला भी दिखा देती हूँ इसमें भी लाइन्स लाइन्स है ये जो है ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का है ठीक है ए स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ठीक है मेरे पास जो दो रेजर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बस इसमें भी देखो आप लाइन्स लाइन्स आपको नजर आ रही है दिख रहा है आपको ठीक है ये वाला भी आराम से आप इसको यूज कर सकते हो वेरी गुड वेरी कंफर्टेबल अब ये जो रेजर्स है ना जो मैं आपको बोल रही थी कि आपको नहीं यूज करना चाहिए अच्छा मैं आपको पहले बता दूं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना अगर आप लोग ऐसा रेजर यूज करते हो तो मुझे बताना मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे इसको देखते ही डर लगने लगा था इतना तीखा ब्लेड था ना इसका इतना मतलब मैं इसको टच करने में ऐसा लग रहा था जैसे ब्लेड नहीं होता पेंसिलें छिलने वाला ब्लेड बिल्कुल वैसा लग रहा था मतलब आई लाइक like कि मैं इसको कभी भी मैंने इसको अपने फेस पे लगाया ही नहीं इसकी शक्ल देखती मुझे इतना डर लग रहा था इतना तीखा था ना ये मतलब मैं आपको बता नहीं सकती ऐसा था जैसे फिंगर टच होगी और ब्लड निकल जाएगा इसका बिल्कुल वैसा ही हाल था ये ब्लू वाला भी बिल्कुल सेम है कुछ इस तरह की कैप वगैरह लगी होती है बट गाई मत बाय करना बाकी अगर आप वैसा वाला रेजर यूज करते हो तो मुझे कॉमेंट डाउन करके बताना और क्या ठीक है चलो अब करते हैं गाइस स्टेप बाय स्टेप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव सबसे पहले तो अपने बालों वालों को एकदम पीछे कर लो टाई अप कर लो बीच में नहीं आने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ना ध्यान से करने वाला प्रोसेस होता है ध्यान से डरना नहीं है आपने ध्यान से करने का ये मतलब होता है कि बहुत क्लोजली आप एक एक बाल को देखते हो अगर आप इधर उधर एक्स्ट्रा कर दोगे तो आपके कहीं आईब्रोज इन थोड़े से छोटे हो जाए ये वो मतलब बहुत केयरफुली करो ठीक है बाथरूम में जाके अपने फेस को आप गीला कर लो मैं तो यहीं पे बैठी थी वीडियो शूट कर रही थी

तो बस मैंने अपने फेस को यहाँ पे क्लीन कर लिया सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ठीक है एंड थोड़ा सा आप इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि फेस वॉश करने के बाद स्किन थोड़ी सी साफ लग रही है अब और क्लीन करेंगे हम इसको पहले मैं करूँगी गाइज स्क्रबिंग आप चाहो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो मैं इसलिए करती हूँ ना स्क्रबिंग करने से डेड स्किन भी आपकी um, निकलती है मतलब डेड स्किन होगी ऊपर वाली जो आपको पता है राइट नो कितना स्वेट होता है कितना पसीना आता है धूल मिट्टी तो थोड़ा सा ना गंदी गंदी सी स्किन लगने लग जाती है मतलब मैली मैली सी तो ये उसको हटाएगा ये वाव का उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब है फेस पे लगा लो बॉडी पे लगा लो जहां मर्जी आप वहां पे लगा लो बाई द वे गाइज आप कोई भी स्क्रब यूज कर सकते हो जो आपको सूट करता है जो आपका मन है इट्स जस्ट अ स्टेप जो मैं आपको दिखा रही हूँ बाकी जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ साथ साथ में ताकि आप कुछ लोग होता है ना बिल्कुल जिनको होता है कि दी आपने आपने क्या, क्या यूज किया हमारे साथ वो भी शेयर करो तो बस मैं हल्के हाथों से स्क्रबिंग करूंगी हफ्ते में आपने दो बार स्क्रबिंग करनी होती है बाकी ये जो स्टेप्स है ना ये मैं हमेशा फेशियल हेयर्स को रिमूव करते समय जरूर करती हूँ स्क्रबिंग करने से व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स सब थोड़े से लूज हो जाते हैं थोड़े से बाहर आने लग जाते हैं अगर आपके फेस के ऊपर ज्यादा हैं वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स तो आप पहले उसके स्टीमिंग भी ले सकते हो चलो अच्छी तरह से स्क्रबिंग कर ली पूरा फोरहेड वगैरह पे सब जगह पे मैंने लगा के कर ली थी ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं किया जस्ट मेरे को स्टेप दिखाना था बस फेस को ड्राई कर लिया अब बारी आती है एलोवेरा जेल लगाने की पहले मैंने ड्राई फेस के ऊपर अप्लाई करती थी फेशियल रेजर को फिर मैंने कहीं ना यूट्यूब पे देखा किसी ने एलोवेरा जेल लगा के किया तो आई ट्राइड ओ माई गॉड एलोवेरा जेल लगा के मजा ही आ जाता है मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स की एलोवेरा जेल यूज़ की थी क्लियर एलोवेरा जेल है ये आ, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी गुड वाइब्स की एलोवेरा जेल बहुत अच्छी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कोई भी एडेड कलर नहीं है कोई भी एडेड फ्रेगनेंस नहीं है नेचुरल है बिल्कुल मैं यहाँ पे गाइज यूज़ करूँगी सैनफी का ये वाला रेजर है सैनफी बॉम्बे शेविंग कंपनी या मीशो बस मैंने यही अभी तक तीन रेजर ट्राई किए हैं कारमेसी एक नया रेजर आया है वो मेरा मन कर रहा है ट्राई करने का जब ट्राई करेंगे तो उसकी अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे ठीक है अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया एलोवेरा जेल लगा ली फेस के ऊपर हल्का सा फेस को गीला रखना है आपने ड्राई फेस के ऊपर आपने कभी भी नहीं इसको चलाना आपने देखा मेरा फेस कितना गीला गीला सा है ठीक है उसके बाद मैंने अपने हाथों को क्लीन कर लिया था नैपकिन के साथ आपके हाथ एकदम सूखे होने चाहिए मुंह गीला होना चाहिए हाथ सूखे होने चाहिए ताकि हाथ से रेजर बिल्कुल भी स्लिप ना करे नीचे वाले डायरेक्शन में मैं इसको करती जा रही हूँ आप देख सकते हो इसके ऊपर कितने सारे बाल आ गए अपने पास आप एक टिश्यू रखो वेट वाइप्स रखो टिश्यू नहीं टिश्यू नहीं वेट वाइप्स टिश्यू के तो वो निकल जाएगा ना कागज कागज सा वेट वाइप्स आपने रखना है और आपने अलग अलग डायरेक्शन में आपने अपना इसको करके अपने हेयर्स को रिमूव करना है लेकिन आ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इधर की तरफ करो या उधर की तरफ करो मैं तो मतलब हर डायरेक्शन में कर लेती हूँ ताकि बाल अच्छी तरह से निकल जाए सिर्फ रूल इतना है स्लो जितना स्लो कर सकते हो जितना धीरे कर सकते हो दिख रहा है आपको एलोवेरा जेल मैंने व्हाइट कलर मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट लगाया था उसमें ये जो काला काला आपको नजर आ रहे छोटे छोटे बाल थे तो बस जिन एरिया में धीरे धीरे मैं चाहूँ तो इस वीडियो को फास्ट कर सकती थी बट मैंने नहीं किया आपको बिल्कुल ओरिजिनल स्पीड दिखा रही हूँ ओरिजिनल स्टेप्स दिखा रही हूँ कितना टाइम लगा मुझे टोटल ये सब कुछ करने में पंद्रह मिनट लग गए एंड अच्छा मैंने फिर से यहाँ पे हल्की सी एलोवेरा जेल लगाई थोड़ा थोड़ा पार्ट में लगाओ पता क्या हो रहा है एलोवेरा जेल भी जल्दी सूख जाती है तो मैंने बोला ना आपको गीला गीला फेस होना चाहिए तो हाफ पार्ट पे करना था तो हाफ पार्ट पे पहले लगा के उसको क्लीन कर लिया फिर से इधर एलोवेरा जेल लगाई हल्का सा मैंने गुड वाइब्स का टोन और अप्लाई किया एंड बस आपके सामने आप देख सकते हो कैसे आराम से बाल निकल रहे हैं अच्छा कुछ लोग जो साइड बर्न्स होते हैं ना जिसको साइड में जो बाल होते हैं छोटे छोटे वो एकदम कम्प्लीटली गायब कर देते हैं वो मैं नहीं करती पता नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता एकदम ही मुंह ना फिर बड़ा बड़ा सा और बड़ा बड़ा सा फेस लगता है सब कुछ आपकी अपनी चॉइस है अगर आपको मन है करने का तो आप वैसे भी कर सकते हो एंड गाइज मैं ट्राई तो कर रही हूँ कि जितना फोन के अंदर घुस जाऊं जितना मैं फोन के अंदर बैठ के आप लोगों के साथ क्लोजली वीडियो शूट कर पाऊं उतना कर रही हूँ आई होप यू कैन सी छोटे छोटे से बाल Yeah. ये दिखाने नहीं चाहिए ऑन कैमरा बट आपको क्या करूंगा वीडियो बना रही तो दिखाना पड़ेगा ना तो बस अब मैंने यहाँ पे अपर लिप्स के ऊपर भी ऐसे ही करी अपर लिप्स के ऊपर भी देख सकते हो पूरी अच्छी तरह से एलोवेरा जेल वगैरह लगी हुई है जब आप अपर लिप्स पे करो ना तो नीचे वाली डायरेक्शन में आपने करना है ठीक है जहां जहां पे भी आपके बाल हैं बस एक चीज का ध्यान रखना है आपके हाथ सूखे होने चाहिए ताकि आपकी ग्रिप अच्छी तरह से बने और स्लो एकदम स्लो मोशन टेक योर टाइम हड़बड़ी में मत करना कई बार कट लग ही जाता है या कुछ भी ऐसा कई बार एक्स्ट्रा इधर उधर के आईब्रोज के बालों पे लग जाता है कुछ भी स्लो एंड स्टडी करो बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है डरने की कोई बात नहीं होती इसमें ये देखो मैं कितने आराम से कर रही हूँ हाँ जी आज से दो साल पहले जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो उसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर तब बड़ा डर लग रहा था मुझे बट अब तो चलो मुझे आदत बन चुकी है करने की बारी आती है फोर हेड पे करने की तो बस मैंने फोर हेड पे थोड़ी सी एलोवेरा जेल अप्लाई कर ली और बस अब मैं इसको कर लूंगी एक चीज और मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी मुझे आईब्रोज पार्लर से बनवाने बहुत पसंद है मुझे नहीं पसंद आता कि मैं घर पे खुद ही करूं बट मैंने ढाई महीने लगातार जब मम्मी के घर में थी ना तो मैं रेजर ही यूज करी थी फेशियल रेजर जैसे तैसे करके मैं कर लेती थी क्लीन हो जाता है क्लीन आईब्रोज भी बट ना गाइज जो पार्लर वाली आंटी आईब्रो की पूरी प्रॉपर शेप बना के देती है ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है मतलब आई डोंट नो सब लोग लड़कियां कर लेती हैं बट मुझे पार्लर वाली आंटी से ना एक बार शेप बनवा लूं बीच में अगर जरूरत पड़े तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बाल में निकलवाती रहती हूँ महीने में एक बार मैं पार्लर वाली आंटी से जरूर शेप बनवाती हूँ ठीक है बाकी टाइम बस ऐसे करके फेशियल लेजर से फेस क्लीन कर लेते हो अभी देखा आपने मैंने नोज़ के ऊपर भी किया थोड़ा थोड़ा सा नोज़ के ऊपर भी छोटे छुट छोटे रोए रोए से बाल होते हैं फेस को पानी के साथ धोना है अब आपने अब फेस वॉश नहीं यूज़ करना क्योंकि ऑलरेडी हमने फेस वॉश कर लिया था गुड वाइब्स का मलबरी टोनर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ताकि स्किन थोड़ी सी हाइड्रेटेड हो सके आप यूज़ करते हो ना उसी समय अच्छी सी स्किन केयर कर लोगे ना तो इरिटेट नहीं करेगी आपकी स्किन टोनर लगा लिया स्किन थोड़ी ठंडी ठंडी हो जाएगी हाइड्रेशन मिलेगी उसके ऊपर आप सीरम लगा लो क्योंकि आपकी स्किन के डेड स्किन भी तो निकली होगी ना क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले आ, वो भी कर लिया था स्क्रबिंग कर ली थी उसके साथ फिर जब हम रेजर के साथ जब हम ऐसे स्किन के साथ निकालते हैं ना बाल तो डेड स्किन भी निकल जाते तो अच्छी तरह से आप अपना सीरम लगा लो लॉरियल पेरिस का 1.5 पॉइंट परसेंट हेलोरॉनिक एसिड सीरम था ये पूरा मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लूंगी सीरम को ऑब्जॉर्ब होने दूंगी फिर एक मिनट के बाद गाइस मैं यूज करूंगी यहाँ पे माम अर्थ की अल्ट्रा लाइट जेल उपटन वाली रेंज है ये इसमें एक वाइटमिन सी भी आती है जो आपको सूट करता है बाई द वे आप कोई भी क्रीम लगा सकते हो जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ मैंने वही आप लोगों के साथ लगा के शेयर करते इट्स जस्ट स्टेप्स है बाकी प्रोडक्ट्स आप अपनी मर्जी से भी यूज कर सकते हो बस मैंने अच्छे जैसे यहाँ पे मॉइस्चराइजेशन लगा ली मॉइस्चराइजेशन लगा के ना थोड़ा सा मसाज कर लो ताकि डीपली आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर चला जाए और स्किन बाद में मतलब मॉइस्चराइज हो जाए ना और क्या क्योंकि हमने फेशियल रेजर यूज किया अपने फेस के ऊपर स्किन रेड नहीं होनी चाहिए आपकी इरिटेट नहीं करनी चाहिए ये देख लो आपको कहीं पे भी लगा मेरी स्किन रेड हुई या कुछ भी हुआ नहीं ना तरीका होता है करने का रफली करोगे या जल्दी जल्दी में करोगे तो आप कहीं पे भी कट लगवा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो टी डब्ल्यू ब्रांड है द नेचुरल वॉश उसकी ये लिप बाम है ये कलर नहीं आता इस लिप बाम में आ, वैसी है आ, बट इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग और काफी अच्छी है लिप्स को एकदम मॉइस्चराइज कर देते स्किन आप मेरी देख सकते हो राइट नाउ क्लोजली मैं आपको दिखाती हूँ ये गाइज मैं इतना नहीं रिमूव करती साइड बर्न को मुझे पता नहीं क्यों बड़ा फेस बड़ा बड़ा सा लगने लग जाता है कुछ लड़के रिमूव करते हो तो आप रिमूव कर सकते हो जैसे आपको सही लगे ठीक है अब मैं इसके ऊपर अगर अपना मेकअप करूंगी ना तो बहुत फ्लॉलेस सा बेस नजर आएगा वीडियो कैसी लगी कॉमेंट डाउन करके जरूर बताना अच्छी लगी तो लाइक like जरूर करना मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय